21 नवंबर 2021 को मैं कोलकाता ही में था और मेरे सौतेले भाई जो फिरोज़ अहमद है जो सेंट्रल एवेन्यू में रहते हैं वो मेरे उत्तर प्रदेश में मेरा खुद का पापा का पुश्तैनी जायदाद ज़मीन था, उन्होंने हमसे गबन करके सबको बेच दिया, जिस पर मैं मुकदमा अभी लड़ रहा हूँ। मेरे हिस्से का भी प्रॉपर्टी बेच चुका है वो, जिसमें मेरा नाम था ऑलरेडी, अभी भी है, दाखिल खारिज हो गया दूसरा का। और उन्होंने 21 नवंबर 2021 को भुट्टू नाम के आदमी के साथ, भुट्टू जमशेद भुट्टू जिसका नाम है, वो पूर्व चेयरमैन का ड्राइवर है, उसने गवाही दिया है कि मैंने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर मेरे बड़े भाई जो सौतेले भाई है फिरोज अहमद अंसारी को मैंने अज्ञात लोगों के साथ मारा पीटा। उसने मेडिकल दिखाया है, वहाँ FIR दर्ज किया, 156(3) मुकदमा दर्ज किया मेरे ऊपर और थाना में ले जा करके FIR दर्ज कराया कि मैंने उसे मार देने का कोशिश किया। ठीक, तो मेरे पास ये एविडेंस है कि मैं उस समय जो पुलिस ने FIR दर्ज किया है बिना कुछ किसी मतलब सर्च के कि मैं वहाँ था कि नहीं था, एक आदमी गवाही दिया जो उसके साथ है, किस लिए उसके साथ है, जो पूर्व चेयरमैन जो है वहाँ पर उसका ड्राइवर है, उसने खुद मेरी पुश्तैनी जायदाद को 4400 स्क्वायर फीट मोहल्ला बनने तल्ला में उन्होंने मेरे भाई से रजिस्ट्री करा लिया अकेला। क्या वो अकेला मालिक था? पुश्तैनी जायदाद में मेरे वालिद के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ था, उसने उसको रजिस्ट्री करा लिया, उसको हजम करने के लिए उसने मेरे ऊपर इल्लीगल एक्ट लगवा रहा है, मुझे केस खिला रहा था कि मैं जो मतलब कोर्ट में अपना मांगने के लिए अपना मतलब मेरा न्यायालय में जो मैंने अपना पंजीकृत किया हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और मुझे मेरा प्रॉपर्टी नहीं मिला है, इस वजह से वो लोग मेरे ऊपर केस कर रहा है ताकि वो लोग जीत जाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। तो मैं चुपचाप बैठूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सारा एविडेंस है। मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया यूथ लीग का मैं मेंबर था, मैं सेक्रेटरी हूँ और मैं उस दिन 21 तारीख आप देख सकते हैं 21/11/2021 को मैं इसमें मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, कमिटी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया यूथ लीग ने मुझे एक पद दिया था, उस पद का ये लेटर है मेरे पास, मैं वहाँ पर मौजूद था। ठीक, इसका और भी एविडेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे मोबाइल में पिक है, ये मैं खड़ा हूँ, दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए 23 डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक, और यहाँ पे ठीक देखिएगा आप 21 नवंबर 2021 12 noon मैं इस मैं इसमें यहाँ पे शामिल था प्लस, और भी मैं क्लोज से दिखा देता हूँ, ये एक पार्टी का बैनर है। ठीक, और इसमें मैं यहाँ पे हूँ, मैं घुरा के दिखा रहा हूँ, जूम करके देख सकते हैं। आखिरकार उसके बाद नवंबर में सभी को पता था कि कोलकाता कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा था और मुझे खुद 79 वार्ड से कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन मेरे पास कुछ वजह था, इस वजह से मैं कैंडिडेट नहीं बना, मैं 52 वार्ड का एजेंट बना, इलेक्शन एजेंट, मैंने उस वे वर्क किया, मेरा हर CCTV फुटेज था। मैं नवंबर से लेकर के अब तक मैं कोलकाता में ही हूँ, फिर मेरे ऊपर अनलीगल एक्ट क्यों लगाया जा रहा है? इसको पुलिस प्रशासन के द्वारा सोचने की ज़रूरत है कि जो लड़का वहाँ था नहीं, कोई अगर झूठा कंप्लेन किया उसके लिए किसी का FIR अगर दर्ज हो जाए तो इससे क्या होगा, आप लोग बताइए। मैं इसीलिए प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया मैं तो उसमें था नहीं, मेरा भाई गबन करने वाला है, सब प्रॉपर्टी गबन कर चुका है, अब वो फ्यूचर में भी चाह रहे हैं, जो मैं सेंट्रल एवेन्यू में रहता हूँ, मेरा जो प्रॉपर्टी है मेरे वालिद का, उसको भी वो हजम करना चाह रहा है, इसलिए मैं प्रशासन द्वारा ये मतलब बोलना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसकी पहले निष्पक्ष जाँच की जाए। भुट्टू जमशेद भुट्टू जिसने गवाही दिया, पहले उसे अरेस्ट किया जाए, मैं यूपी पुलिस से बात बता रहा हूँ, मैं योगी सरकार को बता रहा हूँ कि उसे अरेस्ट किया जाए, जो किस लिए उसने मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया मैं वहाँ था नहीं,
उस समय क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सा एविडेंस है। मैं कोलकाता में था 21 तारीख नवंबर महीना के 21 तारीख से लेकर के अभी तक मैं कोलकाता ही में था। मेरे पास सारे एविडेंस है और मैं पुलिस द्वारा दूंगा, सब एविडेंस दूंगा। उत्तर प्रदेश में जा करके मैं एविडेंस दूंगा कि मैं कोलकाता ही में था, फिर मेरे ऊपर कैसे फर्जी FIR हो गया। जिसने मेरे ऊपर फर्जी FIR किया, जिसने गवाही दी, तत्काल उसके ऊपर में एक्शन लिया जाए, तत्काल। कि इस तरीके के पुलिस को भी गुमराह किया जा रहा है।